शमशू के अब्बा, ए शमशू के अब्बा, उरे शमशू के अब्बा, सोता ही रहेगा क्या? उठ देख वक्त कितना हो गया है, मशक लेके नहीं जाएगा। ये पहला सक्का देखा जो इतनी देर तक सोता है। अल्लाह की सार है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं मेरी सास का नाम रात तो नहीं था। उरे उठना, क्या बात है सबोस? आज तो बहुत देर से आई, मैं कब से इंतजार कर रहा तेरा। सबो सबो, ये कौन आने? मैं भी कहूँ, ये रात को इतनी देर से घर क्यों आता है? उरे क्या बात है सबो, आज तेरी आवाज में वो बात नहीं है, तेरी आवाज में तो शिरीनी हुआ करती थी, मेरे कानों में रस घोला करी थी, आज बड़ी फिराउन वाली आवाज हुई है। अच्छा तो मैं भी कहूँ, ये घर पैसे क्यों नहीं देखता? रात को तो तेरे बाप को देख रहा है, कहाँ है वो? हाय मैं मर गई, तेरा सत्यानाश हो, तेरा खाना खराब हो, अपनी लुटिया आप ही डुबोए। अरे देला तक तो घर में देखता नहीं। बोले सब तेरे खाते तो मैं कंगला भी हो जाऊं, मन में कोई बलवार नहीं। अरे उठना, कौन सब उठता क्यों नहीं? अरे उठा, कुछ नहीं लगे। हाय अभी कुछ ना लगे, कुछ ना लगे, बता मेरे को सबो कौन है? अरे मैंने क्यों मार रही है, क्या मार रही है मन्ने? अरे कल मुहे, अब तो तेरे सबो को अपनी कमाई भी खिलाने लगे। अरे तेरे साथ रह रह के मेरे में बचाई क्या है? बस अभी कर दे मेरा फैसला। मैं फैसला करने वाला कौन हूँ? फैसला करा रहे थे किसी काजी से करा। फिकर ना कर, जा रही हूँ मैं। मैंने फिकर की क्या जरूरत है? फिकर तो वो करें जिनका जहन हो, मेरे पास तो जहन है ही नहीं। मैं सबो के घर जा रही हूँ। अरे जालिम क्यों ना करियो, अरे उरा उरा ये जुलम ना करियो। देख सबो के घर गई ना तो उसका काना बाप ना मैंने एक आंख निकाल निकाल के घूर घूर के जान से मार देगा। अरे ते तो मेरे दो आंख वाले बाप से नहीं डरता, एक आंख वाले से क्या डरेगा? अरे तेरे बाप की तो आंखों में मोतिया उतरा, उसे तो नजर ही नहीं आता, उससे क्या खाक कर रहा है? मेरे को तेरे पे जरा भरोसा नहीं, मैं तो अपने मैके जा रही हूँ। हाँ ये जा फिर। जा फिर क्या मतलब है तेरा? अरे मैके जा रही ना, अरे मैके में माँ बाप हो, मैं माँ बाप करने दे तेरे से छीन सकता तन्ने। मैं जिंदगी भर के लिए जा रही हूँ। फिर ठीक है, ऐसे ना जाऊंगी, जाते हुए सबो के बाल नोचती जाऊंगी। अरे ये ना जलब करिए, अरे बात, अरे शमशू रे, अरे शमशू, अरे उठ, अरे तेरी माँ घर छोड़ के जा रही है। अरे अगर ये सस्ती जैसी माँ तेरी चली गई ना तो ऐसी माँ तो तेने थलों में भी नहीं मिलेगी। अरे जब तू तो फैसला हो जाए तो जिता लियो। अरे उठ रे, क्यों बे आराम कर रही है, बस जाने भी दे। पिछले 25 साल से यही लड़ाई देख रही हूँ और गया तुम दोनों में से कोई भी नहीं। देख देख इसे क्या मस्ती चढ़ी है, ये भी तो बाप पे जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बाप पर नहीं गया बल्कि बाप इस पर गया है। अरे उठ रे, अरे वो चली जाएगी रे। ओ फिक्र ना कर अब्बा, माँ जाने वाली होती अब तक दरिया पार कर चुकी होती। खा बैठा।
अब तय अपने हिस्से की मार खा ले भाई, आप ही मार मार के थक जाएगी, गिर पड़ेगी। पर बता ना, बता ना मेरे को। चल माँ थक भी जा, अगर मेरे को पता होता ना तो अपने बाप से मिल जाएगा। थारे को दरिया से निकालने के बजाय अपने हाथों से गोता देती और तेरा तो बंदोबस्त करती हूँ। अरे बास मैं तो तेरा सगा सहर हूँ और वो तो भी ले पालक बेटा है। अब्बा है बेटा, बेटा ही हो चाहे ले पालक ही क्यों ना है। सौर का क्या है माँ, तलाक देते वक्त जरा भी देर ना लगाए। बात है ठीक कही है। अरे खाक ठीक कही है। अरे तय जो नहीं सब माँ बनाई है वो क्या, और इसने जो इज्जत को माँ बनाया वो क्या है। जाने दे अब्बा, क्या काम है जमीन में काट रहा मन ने बात की तो दादा। क्यों रे, तय भी नहीं माँ के बारे में सोच रहा है। अरे माँ अब्बा तो ऐसी उल्टी सीधी पट्टियां पर बताओ तेरा सबो से वास्ता है ना, इस तरह से तेरा क्या वास्ता, तेरा घर तो सबो बर्बाद करना चाहे। यो बात भी तय बिल्कुल ठीक कही है। देख निजाम ते बाज आएगा या मैं जाऊँ मेके। जा माँ छोड़ दे, निकल जा। तुम दोनों चाहते हो मैं यहाँ से चली जाऊँ या मैं ना रहूँ। हाय मैं लुट गई, हाय लोगो मैं तबाह हो गई। हाँ तू तबाह हो गई, तू खजाना है ना लुट गई। हाय लोगो, हाय मेरे नसीब फूट गए। अरे किसे शोर मचा मजा के इकट्ठा कर रही है, चार चार कोस पर लो मतलब यहाँ मकान है, तेरी आवाज कौन सुनेगा। ये कोई दिल्ली थोड़ी है जहाँ आवाज लगाएगी लोगों को इकट्ठा करके मन्ने चौराहे पर कान पकड़ा देगी। बस कर दे अब्बा, तय भी चुप कर जा, खाम हाँ माँ को सताता रहता है। ए माँ चुप कर जा, देख ये थारा अपना घर है, कितनी मेहनत से बनाया तन्ने इसे। इधर देख माँ, मैं सारा दिन बर्तनों को रंग कर करके सारे के सारे पैसे लाकर तन्ने तो देता हूँ, फिर क्यों जाएगी घर छोड़ के। तय ठीक है यार, रहने की मेरी एक शर्त है। वो बता दे माँ। इसका पाल ले, ये आज के बाद सबों के घर पानी डालने नहीं जाएगा, वरना मैं दरिया में कूद के अपनी जान दे दूंगी। ले दरिया में कूद के डूब के मर जाएगी, अभी कभी घड़ा भी डूबा है। ए अब्बा ये सबो कौन है। अरे मन ने क्या पता सबो कौन है। अरे यो झूठ बोल रहा है, इसे कसम उठवा ले। ले मशक मेरे से उठाई नहीं जाती, कसम उठा ले। ए अब्बा बेशक तू कुछ ना उठा, बस सबो को छोड़ दे। अरे मन ने क्या पता सबो कौन है। ता ठीक कह रही है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा। ले माँ अब्बा बिल्कुल ठीक कह रही है, उसका क्या वास्ता सबों से। तो खाब में पैसे किसे देता है। अरे अब्बा खाब में पैसे देते हैं, बता किसे देता था पैसे। अरे पैसे तो मैं तेरी माँ को दे रहा था। हाँ। लेकिन वो नसीबन की जगह सबो निकल गया होगा मुंह से। ले बस इतनी सी बात है और क्या। लो माँ ते बात ही नहीं समझी, अब्बे ने प्यार से तेरा नाम सबो रख दिया। क्यों अब्बा। हाय मैं मर गई। मरियो ना, बड़ा गंद फैल जाएगा। पहले क्यों नहीं बताया। अरे भगवान अगर इतनी खुशी की बात तने पहले बता देता तो तू दो चार गज और बढ़ जाती। मैं तारे लिए रोटी लेके आती हूँ। अरे भगवान अगर इसी तरह प्यार मोहब्बत से मन ने बातें करती है ना तो मेरी जिंदगी 800 साल बढ़ जाए और मैं हर साल सांप बन के तने डंग मारूं। मैं थारे लिए मशक भी लेके आती हूँ, रोटी भी लेके आती हूँ। जा लेकर आ। बारे बाबा फिर दे दिया माँ को चक्कर। अरे वो ना हो कि मैं काम पर जाने के बजाय सीधा इस सब के घर में चला जाऊँ। अरे अब्बा क्यों जुलम कर रही है, माफ कर दे, क्यों इतना गुस्सा करता है। अब्बा तै बहुत अच्छा, मैं तो अल्लाह से कहता हूँ अल्लाह हर बंदे को तेरे जैसा अब्बा दे। और मैं भी कह दुआ देता हूँ कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसा बेटा ना देवे। अरे तू बेटा नहीं, आस्तीन का सांप है सांप। चल माफ कर दे अब्बा, माफ कर दे अब्बा। अब्बा वो तू इशरत के घर जाएगा ना मेरे रिश्ते की बात करने। नहीं रिश्ता खराब करने जाऊंगा। सब सुखे अब्बा, ले दे बस्ती का एक चक्कर काटा, थारे आले तक मैं पराठे बनाती घी में तल के। बारे अब्बा मौजे लगी तेरी, खा रहा घी के पराठे। हाय री किस्मत, हमारे नसीब में कहा घी के पराठे, शादी होगी हमारी तो खाएंगे हम भी घी के पराठे। ले भाई मन ने इजाजत दे। सब सुखी अब्बा। हाँ ते जा रहा है। अरे ते कहना तो मैं इस पहाड़ी के नीचे बैठा रहा हूँ हर वक्त।
तेरी तेरे टांगों से इस तरह बंद के बैठ जाओ, खूटे के साथ बकरा नहीं बंधा होता। समसू के अब्बा, हमारा इस जान में दिल नहीं लगता, शहर ना चले। रही ना द्वार की दरार, अरे शहर में इतनी कहां से मौजे, जो यहाँ पर बाहर है वो ताजी ताजी हवा, वो चिड़ियों का चहचहाना, वो फाख्ताओं का बोलना, वो कोयल की कूक, वो आबशार, और वो देख वो दरिया का किनारा। अरे अगर बादशाह को पता चल जाए ना तो दिल्ली जाने के बाद सीधा इधर रुख कर ले। अरे लालच भेजो ऐसी जगह को, यहाँ पे एक ही कुआं, हम तो पानी पीने को भी तरसते हैं। अरे एक कुआं ना, उस कुएं में भी तेरे निजाम का कब्जा है, हर आदमी मने झुक झुक के सलाम करे है। और क्या, और शहर में क्या जितने बेकार आदमी है ना वो सारे मशक लिए लिए फिरते हैं, और पानी डलवाने वाला कोई है नहीं। यहाँ तो पैसे भी पेश की मिलते हैं। हाँ अब्बा कह तो ठीक रिया, यहाँ पैसे तो बहुत अच्छे मिलते हैं, अगर सबों से बचे रहता। बता दे ना, मैं तेरे सारे ख्वाब खराब कर दूंगा। बता दूं समसू के अब्बा, ये मेरा बेटा है। तो मैं भी तो तेरा हूँ। क्या बेटा नहीं तो शौहर तो हूँ ना। अब्बा बहुत वाली बात बताओ। कौन सी बात? अरे तेने हजार मरतबा का जवान बेटे औलाद के सामने ऐसी बात नहीं कि अपनी कमजोरी उसके हाथ में दे दी तेने। अब्बा बोलो, तेरे काम नहीं करता मैं माँ से चोरी। अरे कौन से काम है? अरे वही ना, जब मैं बीमार पड़ू तो पानी गिर नहीं यही चला जाता, और काम से काम है। और नहीं अब्बा, वो उसके घर आने जाने वाली बात है। तो ठीक है, मैं सीधा जा रहा हूँ। मैं तो मजाक कर रही था। अरे तेरा तो मजाक हो गया, वो समझेगी जैसे मैं हूँ ही गलत। नहीं नहीं अब्बा, तो बड़ा सीधा है। हाँ, जलेबी की तरह। हाँ, जलेबी की तरह। आगे बताता हूँ जलेबी क्या होती है। अरे माँ, थारे पास भरे कितने पैसे? क्यों रे, देखो भी हवा लगी क्या? मन्ने हवा कहाँ से लगेगी, बाहर तो हवा चल ही नहीं रही। ब्याह भी तेरा मैं ही करूंगी। अरे बारे मानो करूं तेरा मैं। पहले ये बता, क्या थारे बाप का और सबों का क्या चक्कर है? ए चक्कर बकर कुछ नहीं माँ, बस अब्बा सबों के घर पानी की मस्के डालने जाता है, वो अब्बे का मजाक उड़ाती है या फिर अब्बा उसका मजाक बन गए। माँ वो तू जाएगी ना इसरत के घर मेरे रिश्ते की बात करने? समझी मैं, वो चौधरी की बेटी। हाँ माँ। देख बेटा, थारा और उसका यूं मिलना कुछ अच्छा नहीं लगता, चौधरी और तारा बाप दोनों भाई भाई बने। तो ठीक है माँ, जैसे तन्ने पसंद है वैसे मिल लिया करूंगा। पगला कहीं का, पहले मुझे इसरत की माँ से रिश्ते की बात कर लेने दे। माँ अभी बात ना करियो। हाँ अभी तो चौधरी और अब्बा भाई भाई बने, बाद में जात बरादरी का मसला निकल आएगा, मेरा बना बनाया खेल सारा खट्टी में चला जाएगा। अरे देखती हूँ कैसे कटाई में जाता है, जा रही मैं चतुराई से। ए माँ हाँ, हाँ करवा के आइयो, वरना बेशक खुद भी ना आइयो। चल भाई समसू, कर ले बर्तनों का रंग, पैसे कमाएगा तो शादी होगी, वरना ये शादी नहीं करेंगे तेरी। ऐसे समसू, अरे ओ समसू, अरे इसरत, अरे ओ समसू, अरे इसरत, ए हुआ क्या, क्यों इतना शोर मचा रखा है? तन्ने को सुना? ए सुनने का तो बहुत कुछ सुनता हूँ, पर हर अच्छी खबर कान धर के भी सुन लेता हूँ। तय इतना शोर मचा रही है, सेहत के छत्ते में हाथ डाल के आई है, या थारे बाप को पता चल गया मैं दरिया में डूब के मरने की तैयारी कर लूं? ए तके लानी, सबके डूबने का वक्त आ गया। सबके डूबने का वक्त? अरे इसरत, कहीं दरिया में तूफान तो नहीं आ रहा? नहीं समझो कि तूफान आ गया। देखो तूफान है, तूफान किधर आती है तूफान किधर जाती है ये तो बता, हुआ क्या? अरे बाप रे बाप। हाँ बाप तो मेरा गया बाहर, हुआ क्या? हम कहाँ जाएंगे? तय तो मेरे पास आएगी, बाकी लोगों का मन पता नहीं। क्या मतबल? मतबल सीधा सा, तुम्हारी तरफ अगर दुश्मनों ने कर लिया कब्जा, तो इधर आ जाइयो मेरे पास। बातें ना बना, ये नहीं पूछेगा कि हुआ क्या? जब से आई है यो तो पूछ रहा हूँ हुआ क्या, हुआ क्या, कुछ बताएगी? सुनसू, हाँ दिल्ली में फौजे। ले दिल्ली में फौजे नहीं होंगी तो कहाँ होंगी? अब्बा कभी था सूरी की फौजों ने दिल्ली पर हमला कर दिया। तने कैसे पता चला? मन्ने क्या पता, लोग कभी है जंगलों में शेर ससुरी की फौजे फिरे। फौजे? हाँ इस तरह बाहर निकल के तो दे। किधर? इधर हर तरफ फौजों के पड़ाव ही पड़ाव नजर आने। ले तो फिर क्या हुआ? फौजों के पड़ाव, फौजों के पड़ाव। अरे इसरत मन्ने बचा ले, इसरत मन्ने फौजों से बड़ा डर लगे है, इसरत फौजों की नजर मुझ पे पड़ गई तो सारी उम्र कमारी बैठी रहेगी, कहाँ छुपू इसरत।
इधर से कम इस वक्त किसी को बताइयो मत नहीं करो। अरे बाहर निकल। क्या क्या निकलो मुझे डर लगे है। अरे मुझे अकेले छोड़ के किधर घुस रहे निकल बाहर। अरे इज्जत मुझे फौजों से बहुत डर लगे है। मैंने जिंदगी में कभी क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा। मैंने सुना फौजी आबादियों में रहने वालों को कुछ नहीं कहती। अभी तक तो कुछ नहीं कहा। हम तो हमारी बादशाह के साथ हैं। सुना है दिल्ली के गली कूचों में लड़ाई हो रही है। फिक्र ना कर इसरा। अच्छा दिल्ली बहुत दूर है। उतनी देर में तारा मारा ब्याह हो ही जाएगा। तेरा सत्यानाम तेरा खाना खराब तन्ने अपने ब्याह की पड़ी हुई है। उधर हमारी बादशाह का कुछ पता ना चले। ये बादशाह की बातें बादशाह ही जाने। तुम क्यों उसके गम में कांटा हुई जा रही है। अरे मरने की बातें बड़े लोगों को अच्छी लगे है। अरे इशरत क्या है। देख इशरत क्या है। कैसे दरिया में पानी की लहरें एक साथ कट्ठी बह रही है जैसे तय और मैं। इशरत देख इसरत परसों तरसों से तेरी राह देख रहा हूँ और तन्ने आते ही मुझे फौजों की बातें सुना सुना के दिल में दर्द कर दिया। अच्छा छोड़ सारी बातें। चल इधर आ बैठ। क्या पता समसू मैंने तारे साथ एक बात करनी है। वो क्या इसरत। वो पता आज ना ताराबा और माराबा कट्ठे बैठे हैं। बस हो गया बेड़ा गर्क। अब जरूर दोनों को गलत फैसला करके उठेंगे। अरे इशरत इससे पहले ये दोनों बुड्ढे को गलत फैसला करें चल काजी के पास जाके दो बोल पढ़वा लेते हैं। ना रे ना संतू नहीं करेगी ऐसा। नहीं फिर एक काम तो कर इशरत। क्या। जरा मन्ने प्यार से बाज तो दे। तन्ने? जैसे जंगल में मोरनी मोर को बाज देती है इतने प्यार से आज अपने समसू को बाज तो दे। जंगल में तो शेर ससुरी की फौजें। फौजों का नाम मतलब मेरे सामने मेरा दिल पहले बड़ा कमजोर है। मैं तो प्यार की बात बर्दाश्त कर सकता हूँ फौजों की नहीं। अरे इशरत इन फौजों से क्या ये जंगल छोड़ के चली जाए। रे मैं तो कहती हूँ तो भी दिल्ली के बारे में सोच। ए, दिल्ली तन्ने बनाई है क्या। दिल्ली के बारे में सोचती रहती है। अरे जितना तू दिल्ली के बारे में सोचती है ना इतना अपने समसू के बारे में सोचे। एक रोज तेरा समसू खुद बादशाह हुए और अगर तेरा समसू बादशाह बन गया तो दिल्ली के गली कोचों में प्यार की बांसुरी बजाने की इजाजत देवेगा। रे तो प्यार की बांसुरी बजा मैं तो चली जाऊं। अरे इशरत कभी इस घर को भी अपना घर समझ लिया कर। जिंदगी बन जाएगी। अच्छा थोड़ी हिम्मत तो करके देख। रे समसू हां ते मन्नी ऐसे ना देखा कर। क्यों ना देखूं। क्यों मन्नी शर्म आवे। रे शर्म आवे तो फिर कैसे देखूं। रे पहले अपनी आंखें बंद कर। ले मैं आंखें बंद करूं तू मेरी आंखें फोड़ दे। ना 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 पहले अपनी आंखें बंद कर फिर मैं तन्ने प्यार से आवाज दूंगी। पक्की बात। पक्की बात। ले इशरत अभी कर ले तू बंद आंखें। ले मैंने बंद कर लिया आंखें प्यार से आवाज दे। समसो बोलना प्यार की बात कर। आवाज दे कहाँ है तू। देख मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मुझे अंधेरे वाली जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बोल बोल किधर है। क्यों नहीं बोल रही। हाँ मैं शादी तुम्ही से करूंगा चाहे उसके लिए मैंने तेरे बाप को कत्ल क्यों ना करना पड़े। मैं नहीं डरता तेरे बाप से। शादी तुझी से करूंगा। है किधर है। ये मेरी आंखें बंद करते थे बदल कैसे गई। तय तो बिल्कुल मेरी माँ की जैसी हो गई। अरे बोल ना बाबा। अरे तेरे मुंह पे मूछें कैसे आ गई। क्या नाम मेरे तार। ए चौधरी ते। चौधरी ते मुझे छोकरी समझ के मसूक कवे है। तोबा 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 ना ना ना। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किस लड़की से बातें कर रहा था वे। अरे चौधरी कौन सी लड़की। ये जो आंखें बंद करके कह रहा था बदल गई मेरी माँ जैसी हो गई। ओ कौन थी वो। हाँ मैंने याद आया चौधरी तने बाबा जानी मिला। नहीं मिला। ए थोड़ी देर पहले तो जिंदा था कहीं तने मार तो नहीं दिया। मुझे क्या पता मैंने मिला ही नहीं। वो मिला ही नहीं। वो तू लड़की बता कौन थी। ओ यार लड़की कौन थी इशरत की ना। अबे ऐसे मेरे मुंह से फिसल गया। बाबू आ जा मेरे। तेरी बेटी है मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है उससे। ए छक्के के बेटे मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख मेरे ऐसे मेरे साथ सूरी की फौजों के आगे ने डाला तो मेरा नाम चौधरी सराज नहीं। और तू है क्या चीज है। ले है क्या चीज है क्या चीज। अरे शाही लिबास तो पहना के देख। मुगल सजादा ना लगू तो बरात वापस चौधरी। तो तेरा लिबास उतार के ना देखू। तेरा कपड़े उतार के ना देखू। मैं कैसे गया। अरे दे मेरे साथ जाना। बस बस अरे क्या गया तन्ने।
लोगों को दिल्ली की फिक्र पड़ी है, तन्ने सबों की फिक्र पड़ी है। क्या जाना कि सब घर में पानी गिर नहीं जाऊंगा। अरे ते हजार बार झूठ बोले। मन्ने झूठ क्या बोलना? कहाँ गया रे तेरा छोरा? मैं आज उसका गबड़ घूम कर दूंगा। अरे चौधरी, गुस्से का नाम गबड़ घूम रख दिया? रख दिया। अरे छोरे जो ना तेरी इज्जत करे, वो ना करे, उन्होंने सुन लिया तो तेरा गबड़ घूम ना कर दे। चौधरी जी, हम और फैसला करा दो, मैं लेस के साथ नहीं रहना। हाँ, मेरे साथ नहीं रहे, ये तो सजादे के साथ रहेगी। देख देख, मेरे साथ ज्यादा बात मत कर। जमाने का जरूरत है तन्ने बात करने की? ये लड़ाई का वक्त नहीं है। और ये कौन सा वक्त है? हमारियों बादशाह दिल्ली के तख्त से गायब है। शेरशाह सूरी की फौजें पूरे शहर में दंदनाती फिर रही है। मैं तो कह रहा हूँ मिल मिला के पश्चिम की तरफ निकल जाए, वो ना हो कोई नुकसान हो जाए। ये शेरशाह सूरी कौन है रे? बादशाह है रे, पहाड़ों से उतरा है। अरे हमने तो सुना पहाड़ों से तो बलाएं उतरती हैं, ये बर्फ उतरती है। बादशाह भी पहाड़ों से उतरते हैं, लेकिन एक बात है मुसलमान, हमको कुछ नहीं कहेगा। ये दरिया के किनारे किनारे भी तो फौजे फिरे। हाँ, वो फौजे तुमको कुछ ना कहे, अगर कोई पूछे ना कह देना हम मुसलमान है, कलमा आता है ना। कलमा सुना दीजिए अगर हम मुसलमान है, वो छोड़ देंगे तुमको। भाई बाबा जानी एक आदमी है जिसको हर चीज का पता होता है इस इलाके में। अस्सलाम वालेकुम भाई निजाम। वाह भाई वाह, बड़ी उम्र है भाई, बड़ी उम्र है भाई तुम्हारी। बाबा जानी तुम्हारी बात कर, ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसका आना जाना दिल्ली के दरबार में भी है। हाँ बाबा जानी, क्या है खबर है भाई? ऊपर वाला बेहतर जानता है, क्या होगा? क्या होगा बाबा जानी? भाई हालात वाकई दिल्ली के बिगड़ गए हैं। अच्छा, अब तो लड़ाई रजवाड़ों में हो रही है। रजवाड़ों में लड़ाई हो रही है भाई? और चौंसा में जो मुगलों की फौजें थी ना। हाँ। वो भी भाग गई हैं। भाग गई हैं? वो फौजें भी भाग गई हैं भाई? हुमायूं बादशाह जब से गायब है, सारी मुगल फौज हौसला ही छोड़ गई है। ये सारा इतनी जल्दी कैसे हो गया बाबा जानी? भाई अब तो लगता है कि शेरशाह सूरी की हुकूमत होगी। ये शेरशाह सूरी कैसा आदमी है बाबा? बादशाह तो भाई बादशाह ही हो गए है। बाबर और हुमायूं हिंदुओं और राजपूतों से लड़ते आए हैं। सही कह रहे, अभी लड़ते आए हैं। अब ये क्या करेगा? इसका इलम तो तब होवेगा जब एक आध साल गुजर जाएगा। हाँ, बादशाह की बात कर रहा है। अरे वैसे मैंने भी बाबा जानी, एक नजूमी ने बताया था कि निजाम एक रोज तैं भी बादशाह बनेगा, लेकिन ये नहीं बताया कब बनूंगा मैं। ख्वाब में बताया होगा। ख्वाब में बताया होगा जानवरों का। अरे मेरे से ज्यादा बात करने में बादशाह बनेगा, सबसे पहले तैने फांसी झाड़ूंगा मैं। अरे फांसी चढ़ा रहे अपने सबों को। अरे तेरे से सबों का नासूर हो गया ना। अरे सारा दिन में उसका नासूर हुआ है। ओए ऐसी क्या बात है, सबों का नाम लेगा, इसकी टांगे तोड़ देंगे। क्यों बाबा जानी? हाँ भाई, हम तो वो मानेंगे जो नसीबन बहन कहेगी। बस इसको बोल दो ये आज के बाद सबों के घर पानी डालने नहीं जाएगा, वरना मैं अपने मेके चली जाऊंगी। वो तू क्यों जाएगी अपने मेके? ये सबों के घर पानी डालने जाएगा, इसका ये मुंह काला करके, मुंह तो है ही नहीं, पता नहीं क्या लगाया हुआ है मुंह की जगह, ये काला करके खच्चर पे बिठा के पूरे चौंसे की सैर कराऊंगा। इसका मतलब है अब मैं तेज पे बैठ के सैर करूंगा। हाँ हाँ। मुखिया के पास चलकर मशवरा करें। हाँ, फौजें कहीं आबादियों को तंग ना करना शुरू करें। मेरे कहते यहाँ से निकल लेते हैं भाई। औरतों को बेशक मेरी हवेली भेज दे। नसीबन तुम भी चलो, चौधरी तुम भी अपने घर वालों से कह दो चलो नसीबन चले। अरे बुढ़िया को कौन कुछ कहेगा? अरे मैं बुढ़िया हूँ तो तय कौन सा रुस्तम है? अरे तय के रुस्तम की माँ है। और क्या लड़ना शुरू कर दिया, आ नसीबन चले। तुम लोग जाओ, मुझे जरी इसका पहरा देना है। मेरा पहरा देना? मैं मिट्टी खाता हूँ। तेरा कोई पता नहीं भाई, मैं तो कहता कि उनके बादशाह की फौज में जाके भर्ती हो जाते हैं। अरे तय फौज में भर्ती हो। देखो निजाम, हमारी बाबाजी को तंग मत करो। अच्छा फिर रात को हुक्के पर बैठक होगी। चलते हैं, चल चौधरी चले। चल भाई अपना तम्बाकू ले आ। Epa! Epa!
पीछे पहुंचे? हाँ अब्बा मेरे पीछे पहुंचे लग गई। कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पहुंचे लग गई रे? क्या करी अब्बा, दरिया के किनारे किनारे मेरे पीछे पहुंचे लग गई थी। अब क्या होगा अब्बा? पूरे ऐसा करते नसीब पर हम अंदर अपनी झोपड़ी में जाके ना इस तरह लेट जाते हैं जैसे मुर्दे पड़े, लाशें पड़ी हुई। वो समझेंगे कि कोई फौजी मार के चला गया। हाँ। और तू ऐसा कर अपना सिर फाड़ ले। वो क्यों भाई? इसमें से खून निकलेगा, वो अपने मुंह पर मल लेंगे, समझेंगे लाशें पड़ी हुई है। अरे मैं क्यों अपना सर? अरे अब्बा ए फौजी आ रही है, चल अंदर। अरे संत भाई चल अंदर, चल। ए अब्बा फौजी आ रही। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नजर न लगाए। हाँ। तेरी माँ में सारी वही खजलत है अब्बा। हाँ। कहीं तो डर के तो नहीं ऐसा बोल रही है? अरे नहीं रे अब्बा, मन बचा ले अब्बा, मन बहुत डर लग रही है। अरे काय बात से डर रहा,
मैं डरू हूं कोई ऐसे डरी जा रहा है मुझे ये चुड़ैला से बहुत डर लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं मैं हूं ना तेरा मैं तो डर नहीं रहा अब्बा मैंने छिपा ले अब्बा पर समझो अब्बा पर मन लग रहा है क्यों जैसे कोई आ रहा इधर ही आ रहा समझो ऐसा कर भूत बन जा वो क्यों बस ये छोड़े देख दाग के जाएगी भूत बड़े में चल जी नहीं समसू बाबा यो तो मेरा भी नाम जाने भाई समसू बाबा समसू अब्बा ये तो मन्ने भी जाने है मेरा ख्याल है तेरी बारी आ गई है समसू बाबा एक कुर्बानी दे दे बाप पर ना बाबा तय समझी मेरा खून सफेद हो गया चाचा अब्बा चाचा मैं ट्रेन नहीं इसरत हूँ इसरत अरे इसरत अरे इसरत अरे तेरे खून किसने निकाला रे चाचा मैं समसू से ब्याह नहीं कर सकती जात बरादरी का मामला है हम चौधरी समसू मास के थारा बेटा ए अब्बा तय तो कहता था चौधरी मेरा भाई है हम तो उन्होंने पगड़ियां बदली हुई है अरे इसने तू क्यों घर से निकल आई रही अरे तन्ने के पता जानवरों ने मैंने रस्सियों के साथ बांध के बहुत पीटा फिर उन्होंने फैसला किया मुझे कत्ल करके दरिया में डाल दे मैं तो बड़ी मुश्किल से दीवार फलांग के पा गई हूँ अरे चौधरी तेने ठीक नहीं किया अरे कम से कम मेरे से बात तो कर लेनी थी अब्बा तय चौधरी की छोड़ तय अपना फैसला सुना चौधरी से मैं खुद निबड़ लूंगा नहीं समसू पहले मेरे चौधरी से बात कर लेने दे अब्बा मैं चौधरी की नीयत से अच्छी तरह वाकफ हूँ वो कभी भी सीधी तरह से बात नहीं करेगा मैं इस रात को लेके जा रहा हूँ बस समसू शरीफों की औलाद किसी की औलाद को लेके नहीं भागे रे उन्हें लोग क्या कहेंगे सक्के का बेटा था ना इसलिए भगा के ले गया शर्म कर समसू ठीक अभी है चाचा अरे इशरत खामोश हो जा अगर वो यहाँ आ गए तो वो हम दोनों को कत्ल कर देंगे उन्हें कैसे कत्ल करेंगे तेरे सामने निजाम है उन्हें मैं उसके हाथ में काटूंगा जो तेरे कत्ल करेगा मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा आए मन्ने बड़ी चोटी आई है चाचा तेरे अंदर चल मैं दवाई लगा तू चल चल मेरे घर कोई आ रहा है मैं देखता हूँ ए चौधरी तो इधर ही आ रहा है इस वक्त भी अंदर है क्या करे खामोश हो जा वैसे चौधरी को कम से कम मुझसे बात कर लेनी चाहिए उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था तो इस रात ने कौन सा अच्छा किया अब्बा जो घर छोड़ के निकल आई उन्हें तो कहना क्या चाहता है रे बात सीधी सी है चौधरी को मुझ पर भरोसा होना चाहिए भतीजा उसका इस रात शादी वही करेगी जहां चौधरी चाहेगा वारे समझू अरे चौधरी तय वारे समझू भाई अच्छे अच्छे खून वाला जो बच्चा होता है ना वो अच्छी बात करता है आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे खून में फर्क नहीं है लेकिन तेरे खून में फर्क है बर्फानी रीच अरे मैंने नहीं पता था कि इतनी घटिया हरकत करेगा इतनी जिलालत दिखाएगा उन्हें लड़की को मार मार के उसका खून हम खून कर दिया उसने दरिया में छलांग लगा के खुदकुशी कर ली अच्छा फिर बस खुदकुशी का मतलब समझ जा तो किधर उसकी लाश उसकी लाश क्या वो तो शुक्र कर के समसू दातन करता करता जा रहा था इसने देखा गोची डूब रही है इसने जान पर खेल के उसकी लाश को बाहर निकाला अब मैंने दवाइयां दवाइयां लगाई अब होश आता है तो फिर तन्ने बुला लेंगे वरना इस वक्त तो हम जनाजा पढ़ रहे होते और तो मैं क्या करता मेरी बिरादरी सारी मेरे खिलाफ हो गई थी मेरा छोटा भाई सारी बिरादरी लेके मेरे दरवाजे पे आ गया और फिर इसरत ने सारे बिरादरी में इसका तुम्हारे बेटे का नाम ले दिया बस चौधरी तय दो दिन सबर कर ले
जहां तू कहेगा इस दवाई शादी करेगी, इस तरह उसे होश में आने दे। अब्बा ने उसे बेहोशी की दवाई दी है। यार मुझे उसकी बेहोशी की दवाई? हाँ, उसे तकलीफ बहुत हो रही थी ना। अच्छा, तो उसे बेहोशी की दवाई के साथ दूसरी दवाई भी दी है। ठीक है, मुझे उसकी शक्ल देख ले। अगर उसे होश आ गया ना तो तने बुला लेंगे, नहीं आएगा तो फिर भी बुला लेंगे, जनाजे तो पढ़ना ही है ना। मेरी बेटी तेरे हवाले निजाम। अल्लाह के हवाले? अल्लाह के हवाले तो है ही। चल मुझे उसकी शक्ल दिखा दे। चला तेरी मेहरबानी है। अरे उस वक्त तने क्या हुआ था? उससे शक्ल नहीं थी जब तू उसे मार रहा था, कूट रहा था? उस वक्त मैं कसाई हो गया था। हो नहीं गया, तू है ही कसाई। चल उसे हो। मैं चौधरी हूँ। नहीं तू चौधरी, तू कसैया। एक दो दिखा दे बच्चे। ना चौधरी, बेटी की शक्ल तो दिखा। ना चौधरी, इसरत ने कहा कि मेरे बाप को मेरी कब्र में भी ना आने दियो, इसलिए निकल ले। ओ चलो शक्ल तो दिखा दो यार। अरे शक्ल सुबह दिखा देंगे, होश आ गया तो। मेरी बच्ची है यार, मेरी लाडली बच्ची है। अरे उस वक्त उसे मारते हुए लाट नहीं आ रहा था तने? नहीं, ये जख्मी कर रहा था। दिखा दे यार। चल ना चल। बारे बाबा, पूरे हिंदुस्तान में तेरा जवाब नहीं अब्बा। लेकिन तेरा भी ही पूरे हिंदुस्तान में जवाब नहीं। अब क्या हुआ? तू बेटा नहीं, तू आस्तीन का सांप है। और मैंने किया क्या अब्बा? तेने कुछ नहीं किया। अरे तेने तीली लगाया था, सबो सबो की बात जगाया था अपनी माँ के सामने। सबो की बात पर गुस्सा कर रही है? गुस्से वाली बात नहीं है, तू तीली जो लगा रहा था। अब्बा मैं तो मजाक कर रहा था। तेरा तो मजाक हो गया ना अब्बा। अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, आज के बाद सबों को मैं अपनी माँ ही समझूंगा। चलो यो तेरी अपनी मर्जी है, मन्ने मन्ने कोई इतराज नहीं। तो ठीक है अब्बा, आज के बाद सबों माँ जिंदाबाद, सबों माँ जिंदाबाद, सबों माँ जिंदाबाद, सबों माँ जिंदाबाद, सबों माँ जिंदाबाद। तेरा सत्यानाश हो। बोले क्या लिखा उस खाला का नारा? तुम दोनों को मैंने दरिया में ना। मैंने क्या कहा? मैंने तो नहीं कहा सबो माँ, इसने कहा। मैंने तो कहा था नसीबन माँ जिंदाबाद। खामोश, जोर बोलता है। मैंने अपने कानों से तारी सारी बातें सुनी है। तो लोग कानों से सुनते हैं और पैरों से सुने हैं। जा रही हूँ मैं। जा, अब तभी रहूंगी जब सबो का जिंदाजा निकलेगा। चल चल, निकलेगा तो आएगी ना। अरे अब्बा, और देख तो सही, माँ गई किधर है? अरे कुछ नहीं, दरिया का चक्कर लगा के थक थका के फिर वापस आ जाएगी। ठीक है। अरे हाँ। अरे शमशु। हाँ अब्बा। अरे वो ना औरत जात है, वहाँ बाहर जाके जलील ना करे। वो तो है अब्बा। जा अपनी माँ को पकड़ के लेके ना। ना अब्बा, माँ को तू लेके आ, मैं इसरत को लेके आता। रह गया भाई, होश कर।
घुस कर बैठ। या अल्लाह तेरा शुक्र। ए मेरे अब्बे का भी शुक्रिया अदा कर जिसने अपनी जान जोखों में डाल के बचाया था। मैं हम आपके मशकूर हैं। हाँ। मगर इस वक्त हमारे पास तोहफे में देने के लिए कुछ भी नहीं। बातें तो ऐसे करेंगे बाबर का बेटा हो। अब्बा मन तो ये खुद तोहफा लगे। देख अब्बा कैसे इसकी शकल घसियार हो जैसी है। चल भाई तैयार निकल ले। चल निकल ले भाई निकल ले। अब्बा आपका नाम उसको 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 देख दूसरे को देख भाग के दिल्ली लाही कहाँ है दिल्ली लाही। अब्बा मैंने तो ये को दरबार ही रखे जो पागल हो गया। अलंपना 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 आप ठीक है? खुदा का शुक्र है। खान चुगताई इनका शुक्रिया अदा करो जिन्होंने हमारी जान बचा के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। अब इनका यह एहसान हमारे दिल पे उस वक्त तक बोझ रहेगा जब तक हम इनके एहसान का बदला चुका न दे। पापा ये तो इन्होंने यहाँ पर नाटक ही लगा लिया भाई। बात ऐसे करे अपने यही दरबार लगा लिया ना। अब्बा अरे अब्बा मैंने तो ये दोनों पहाड़ लगे। मैं तो कहता इन दोनों को पता ले ले तेरी शादी पर दोनों को बुला लेंगे। हंसा हंस लेंगे ना। अब्बा पूछ तो सही है कौन आपका नाम? मेरा नाम जी निजाम सक्का है जी। मेरा नाम शमसू है जी। हाँ ये मेरा बेटा है। तेरा तय कौन है भाई? कमीज से बात करो। कमीज से क्या बात करो? एक सलूका वो भी गीला हो गया भाई। बताने अपना नाम नहीं बताते कौन है भाई? हम नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन भाइयों अरे हुमायूं चल गए कितने हुमायूं। अरे अब्बा वो तो बादशाह का नाम है। बादशाह तो क्या हुआ? होशकर तुम लोग खुश नसीब हो जो इस वक्त जिले इलाही से हम कलाम हो। नहीं खान चुगताई ये लोग हमारे मोहसिन हैं। अगर आज ये हमारी जान ना बचाता तो हमारे बाबा जहीरुद्दीन बाबर का नाम गुमनामियों में खो जाता। ये लोग काबिले एहतराम हैं। इनसे आराम से बात की जाए। जो हुक आलम पनाह। शमसू हाँ अब्बा अंदर खाने के लिए कुछ पड़ा है? हाँ अब्बा दो तरबूज पड़े। बादशाह जी अगर आप कहते तरबूज ले आऊं मैं। निजाम तुम्हारे हाथों से जो भी मिलेगा वो हमारे लिए मुकद्दम क्योंकि तुमने हमें नई जिंदगी दी। इनके खाने का कुछ इंतजाम करें। चल अब्बा निकल। दिल्ली लाही क्या हुआ? खान चुगताई दुख की बात यह नहीं कि शेर शाह सूरी ने हम पे हमला किया और फतेह हासिल की। दिल को दुखाने वाली वो बात है जो कामरान और हिंडाल ने की। दिल्ली और आगरा में हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उन्होंने हमारे खिलाफ बगावत कर दी। आलमपना शेर शाह सूरी ने सुलह के दरवाजे सुलह का नाम मत लो। ये सुलह ना होगी मुगलों के माथे पे बदनुमा दाग होगा। मुगलों का वक्कार मरकर भी जिंदा रहता है। हम कट सकते हैं झुक नहीं सकते। मगर जिले इलाही हालात हालात खान चुगताई हम कब तक हालात के हाथों कठपुतली बने रहेंगे? हम अच्छी तरह समझते हैं कि सुलह के बहाने शेर शाह सूरी हमसे क्या चाहता है। अलंपना
वो क्या चाहता है? वो किसी वक्त भी शबखून मार के हमें खत्म कर सकता है। जिल्ले इलाही, मेरे मुंह में खाक, अगर खुदा ना ख्वास्ता दुश्मन हजूर को गजंग पहुंचाने में कामयाब हो गए तो हिंदुस्तान की तारीख में एक तारीख दौर का आगाज हो जाएगा। और वो मुल्क जो हजूर के वालिद ने बजोर शमशीर फतह किया था छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, जहां पर जालिम सरदार अवाम के साथ न जाने कैसे। देखो खान चुगताई, ये निजाम किस कदर मेहमान नवाज, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। हुजूर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हुजूर बोलो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। बस मेरी इस तरह से शादी करवा दो बादशाह। वो बादशाह को काजी नहीं तेरा निकाह करा देगा। खामोश। हुजूर, मैंने भी एक नजीब ने कहा था कि निजाम एक रोज तैमी बादशाह बनेगा, यह नहीं बताया कब बनूंगा जी। मगर निजाम, बादशाह भी तो इंसान होते हैं, जैसे हम तुम्हारे सामने तुम्हारी बातें सुन रहे। हुजूर, मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी में चाहे एक दिन के लिए बादशाह बन जाओ, बादशाह बन जाओ हुजूर। मैं तो निजाम, फिर दुआ करो कि परवरदिगार हमें एक मर्तबा फिर अपने बाबा के तख्त पर बैठने की तौफीक अता फरमाए। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें बादशाह जरूर बनाए। लेकिन हुजूर, हुजूर इसकी क्या जमानत है कि आप बादशाह बनने के बाद इस निजाम को पछाड़ जाएंगे? निजाम, दिल्ले इलाही का कह देना ही काफी है। हाँ चुगताई, आलमपना, निजाम को हमारी ये स्याह हीरे की अंगूठी पहना। ये अंगूठी जब भी हमारे सामने आएगी, हमें अपना वादा और तुम्हारी जान सारी याद आ जाएगी। हम कह रहे थे शेर शसूरी हमारा पीछा जरूर करेगा। आलमपना, अब यहां से गायब हो जाने में ही हुजूर, एक दफा निजाम को हुक्म दे दे। हुजूर, ये निजाम आपकी जान बचाने के लिए जान पर खेल जाएगा। हुजूर, हुजूर मैंने एक मर्तबा इजाजत दे दे। हुजूर, हुजूर ये जवानी किस काम आएगी? नहीं निजाम, नहीं हुजूर। बस अब हमें जाने की इजाजत दो। चलो खान चुगताई। हे अब्बा, ये तो हीरे की है। जवाल की दास्तान है। कौन कह सकता था
काबुल कंधार के वीरान जंगलात में भटकने वाला एक तैमूर ज़ादा एक रोज उफ़क़े दहली पर सूरज बन के तलू होगा। आलम पना, खुदाए ज़ुल जलाल को यही मंजूर था कि जिस कुदरत ने हुमायूं को तैमूरी और मुगलिये खून से नवाजा था वही हुमायूं तवील शिकस्तों के बाद एक दिन सरबराहे सल्तनत होगा और शहंशाह बाबर के इल्म फजल का वारिस बनेगा। वजा इरशाद मलका आलिया, हमने हमेशा बाबरी रवायात को जिंदा रखा है। आज जश्ने अव्वल है आलमपना और हमारी ये ख्वाहिश है कि आज आम राया को खूब इनाम इकराम से नवाजा जाए। ऐसा ही होगा मलका आलिया। ये सब तो ठीक है आलमपना, मगर निजाम सबका जो हम सबका मोहसिन है उसे किस इनाम इकराम से नवाजा जाएगा? जो वो चाहेगा। निजाम सक्का ने हमारी जान बचा के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। हम आपके भी मशकूर हैं मलका आलिया कि इस मौका पर आपने हमें हमारे मोहसिन की याद दिलाई। इनाम देते वक्त ये मत भूलिएगा आलम पना कि आज जो कुछ भी है वो सब सिर्फ निजाम सक्का की ही बदौलत है। और क्या उस जानिसार को इस जश्न में शिरकत के लिए मदूनी किया गया? मलका आलिया, क्या आप समझती हैं कि बाबरी खून इस कदर एहसान फरामोश है? हमने अपने हरकारों को निजाम सक्का की तलाश में उस दिन रवाना कर दिया था जिस दिन हम फातह बनकर दिल्ली में दाखिल हुए थे। इलाही, आज किस कदर खुशी का दिन है कि दुश्मनों पर फतह पाने के बाद आप तख्ते तैमूरी पर जलवा अफरोज हैं। आलम पना, ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से हमारे सरों पर जहां पना का साया कायम रखा। बारी ताला अपनी रहमत से जिल्ले इलाही का सितारे तकदीर ताबिंदा दरख्शंदा रखे और स्याह बख्ती का वो मनहूस दौर हजूर के जहन से हर्फ़े गलत की तरह मिटा दे। ऐसी बात अपनी जुबान में मत लाओ खान चुगताई, और दुआ करो कि वो दौर स्याह बख्ती हमारे लिए मशाल राह बना रहे। गुलाम जिल्ले इलाही का इशारा नहीं समझा? खान चुगताई, रंजो अलम से ना आशना हुए बगैर इंसान की तकमील नहीं होती। उस दौर स्याबख्ती ने हमारी निगाह को वसत और हौसलों को बुलंदी अता की। आलम पनाह की इरशादात गुलाम के लिए बसीरत अफरोज है। आलम पनाह, अगर इजाजत हो तो गुलाम एक अर्ज करे। इजाजत है। आलम पनाह, इस खुशी के मौके पर भी आलम पनाह के रूह मुबारक पर रंजो गम के आसार नुमाया है, इसकी कोई वजह? जिल्ले इलाही, दिलावर खान, हम मानते हैं कि आज का दिन मसर्रत और शादमानी का, मगर जब तक हमें हमारे मोहसिन की खबर नहीं लग जाती हमारी खुशियां बेकैफ रहेंगी। आलम पना, आपके हुक्म के मुताबिक चौसा के चारों तरफ नमकवार जानिसार निजाम सक्का की जस्तजू में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द निजाम को तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। शाबाश दिलावर खान, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हम इस बात पर खुश हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं हो। शहंशाह का इकबाल अब तक कायम रहे। आलम पना, चौंसा के चंद सिपाही बारे आबी की इजाजत चाहते हैं।
चौसा के इजाजत है। जो हुक्म आलम बना। दिलावर खान, जिल्ले इलाही, हमें यकीन है कि जिसका हमें इंतजार था वो आन पहुंचा। अरे मेरे काले हुजूर, जिस आदमी को ये ढूंढे थे वो तो मिला नहीं। मैंने जबरदस्ती ले आया हुजूर, मैं समझा मेरे को गलती हो गई हुजूर, मैंने इजाजत देने का वहीं छोड़ा। आ मैंने छोड़ा। आओ निजाम, हम तुम्हारी हीरा देख रहे थे। हुजूर हुजूर, मैंने तो जिंदगी में कोई गलती भी नहीं की हुजूर, मैंने तो आज तक अपने बेटे समसू को तमाचा भी नहीं मारा हुजूर। निजाम, कहो कैसे गुजर रही है जिंदगी? हुजूर खा गुजरनी, चारों तरफ से खौफ ही खौफ है हुजूर। हट जा दादा, गुस्ताख तेरी ये जुर्रत। हुजूर जब मैं आ रहा था उस वक्त मैंने बुखार चढ़ गया था हुजूर, हुजूर अब तो मेरी टांगों से भी जान निकल गई हुजूर। हुजूर मैंने इजाजत दी, मैंने नसीबन मेरा इंतजार कर रही होगी हुजूर। निजाम, क्या तुम हमें भूल गए? रहा ना बादशाह का बादशाह, जबरदस्ती बाघ पेट निकालना मैंने। हट जा तो। निजाम, जो वाकया तुम भूल चुके हम तुम्हें याद दिलाना चाहते। हुजूर मेरी जिंदगी में तो कोई वाक्य ऐसा नहीं आया हुजूर जिसे मैं भूल लूं। हमारे करीब आओ। तने बुला रहे भाई। हमारा रूह सुखन तुम्हारी ही तरफ है निजाम। हुजूर हुजूर मैंने कुछ गलती है, मैंने माफ कर दे हुजूर। निजाम को हमारे करीब लाया जाओ। मारेगा ना। अरे नसीबत तब बेवा हो गई रे। हुजूर हमारा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं है। हुजूर कोई अपने बादशाह का भी नाम भी भूले, मैंने याद है मायू 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 मायू। तुम्हारा नाम निजाम सकता है? पहले तो मैंने मेरा नाम याद था, अब तेने भी याद हो गया होगा हुजूर। ये नाम हमारे सीने पे नक्श है निजाम, और उस वक्त तक रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। हुजूर मैं आपसे वादा करता हूँ जिस निजाम की तने जरूरत है मैं शाम से पहले पहले हाजिर कर दूंगा हुजूर। हुजूर जिस निजाम की हमें जरूरत है वो हमारे सामने। अरे मारेगा, अरे नसीबन बेवा हो गई रे। अरे सबको, अरे संजू का ब्याह भी चलेगा। अरे मारेगा। क्या तुम भूल गए वो रात जिस रात शेरशाह सूरी ने हम पे यलगार की और हम बचते बचाते दरिया में कूद गए? उस रात दरिया अपने जोबन पे था, बावजूद अपनी बहादुरी के हम दरिया में डूब रहे थे। और तुम निजाम, अगर उस रात तुम हमारी जान बचा के हमें अपनी झोपड़ी में पनाह न देते तो आज हम जिंदा ना होते। पता नहीं बादशाह तो क्या ऑल फॉल कह रहा है। हट जा। निजाम, हमने तुम्हें निशानी के तौर पे अपनी स्याह हीरे की अंगूठी दी थी, वो बादशाह क्या हो गया तेरे से भी मिल लेते हैं? ये ले तकान सी बात है, ये ले तकान सी बात है, ये ले तेरे से कहाँ मिल गया, तो जगह ही नहीं है। चलो ढांचे से भी मिल रहा है।
नहीं ये बात है। अमाल भी तैं भी मिल ले। मुबारक हो भाई। ये सब तुम्हारी ही बदौलत है निजाम। बताओ रास्ते में सिपाहियों ने कोई तकलीफ तो नहीं दी? मुझे तकलीफ क्या, रास्ते में खाना तो पूछा नहीं, भूखा लाया मैंने, ना पानी पिलाया ना खाना खिलाया। बस रास्ते मैंने मैंने ऐसा लग रहा था कि चार सिपाही आगे चार पीछे, चार इधर चार इधर, मैंने ऐसा लग रहा था पूरे मुल्क को कत्ल करके जा रहा। हर आदमी मैंने सलाम करे, मैं भी आखिरी सलाम समझ के जवाब दे ही जा रहा था। निजाम, तुम्हें यहाँ बुलाने का हमारा मकसद सिर्फ यह है कि तुम्हारे उस एहसान का बदला चुकाएं। तो फिर हुजूर तेने क्या सोचा? तुम बताओ। हुजूर ऐसा करे, दरिया के किनारे ले जा, मैंने धक्का दे दिया, जब मैं डूबने लगा मैंने बाहर निकाल लेना। जहां पना, ऐसे बदला नहीं उतारेंगे निजाम। तो फिर मैंने मैंने याद कर रहे होंगे। तुम जा नहीं सकते निजाम, जहां पना का हुक्म है कि आज तुम जो मांगोगे मिल जाएगा। हुजूर ये जो कह रहा ठीक कह रहा? दुरुस्त, हमने तुम्हें कॉल दिया। मैं इतनी जल्दी क्या मांग लू भाई? भाई तैं वजीर तैं बता, तैने तो मांगने की आदत है, बता रहे। तुम्हें जो तकलीफ है कह दो निजाम। मैंने कोई तकलीफ, जब मैं आता उस दिन मैंने बुखार चढ़ गया था, अल्लाह का दिया सब कुछ है, रूखी सूखी खाने में बस, और कोई तकलीफ, बस एक तकलीफ है। तुम्हें जो तकलीफ है बिला तकल्लुफ कह दो निजाम। बस हुजूर, जहाँ मैं रहूँ वहाँ एक कुआं, वो भी दरिया के किनारे, जब दरिया में सैलाब आवे है तो कुएं का पानी जो है वो गदला हो जाए, भाई यो तकलीफ है। इसमें तकलीफ की क्या बात है निजाम? अरे तैं भी बिल्कुल घामड़ का घामड़ ही है। पूरे सैलाब आएगा, पानी गदरेला होगा, उसमें मिट्टी आएगी, तो लोग पानी लेने से इनकार करेंगे, अगर पानी ले भी लेंगे तो पैसे पूरे नहीं देते। तो तुम्हारा मतलब है कि इलाके वालों को हुक्म दिया जाए कि वो पैसे पूरे दिया करे? ना, ये तो कोई इंसाफ ना हुआ भाई, पानी भी मिट्टी वाला दे और पैसे भी पूरे ले, ना भाई ना, नहीं ये कोई नहीं इंसाफ वाली बात करो। निजाम, तो फिर तुम क्या चाहते हो? मलका हुजूर, मैं ये चाहूँ कि दरिया में सैलाब ना आवे। मगर निजाम, तुम जानते हो दरिया पे हमारा हुक्म नहीं चलता। लेकिन बादशाह हुजूर, दरिया भी तो आपकी रैयत में आता है हुजूर। निजाम, अगर तुम कहो तो दरिया से हटकर एक और कुआं खुदवा दिया जाए। अरे तय बिल्कुल घामड़ का घामड़ ही है। अरे पथरीली जमीन है, सारी सारा साल अगर खुदाई भी करोगे तो पानी तो फिर भी ना निकलेगा। ना यो नहीं, मैंने दूर दूर जाना पड़ता है, दरिया के किनारे कोसों दूर जाके पानी लेकर आना पड़ता है। अगर हुजूर इजाजत दें तो फरमान जारी कर दिया जाए कि इलाके के लोग कुएं के करीब बूदोबाश इख्तियार करें ताकि निजाम को दूर दूर ना जाना पड़े। ना मैंने एक आदमी के लिए सबों को तकलीफ देना, ये कहां का इंसाफ हुआ भाई? कोई बादशाह वाली बात करो। निजाम, तो अब तुम खुद ही बताओ कि तुम्हारी ये तकलीफ कैसे दूर की जाए। मलका हुजूर, मैं ये चाहूँ वो जो दरिया के किनारे कुआं ना, उसे उठा के आबादी के बीचों बीच लगा दिया जाए। निजाम, ये कैसे मुमकिन है कि कुआं उठा के आबादी में रख दिया जाए? तो भी हुजूर, तो कहेगा बादशाह भाई, ना सैलाब रोक सके है ना कुआं उठा सके है भाई, ये कैसी बात साथ है भाई? बयान जारी रहे।
हुजूर एक तकलीफ और है कि हमारे इलाके में गोश्त नहीं मिलता। तेने पता है कि मुसलमान काम बगैर गोश्त के रहे ना, अगर गोश्त ना खाए तो जवान फीकी फीकी लगे। हुजूर निजाम, तुम अपनी को एक ऐसी ख्वाहिश बयान करो कि जिसके पूरा करने से तुम्हारी तमाम तकलीफ दूर हो जाए। अरे एक तो पूरी कर नहीं सकता, सारी कैसे पूरी करेगा? अगर मैं तेरी जगह एक बादशाह होता ना, तो मैं एक दिन में सारी तकलीफें दूर कर देता, चाहे एक दिन का बादशाह होता। निजाम, तुम्हारी बादशाह बनने की ख्वाहिश जरूर पूरी की जाए। दिलावर खान, जिल्ले इलाही, निजाम को फाखरा लिबास पहना के दरबार में लाया जाए और इसके अहले खाना को तला की जाए। हुक्म की तामील होगी आली जा। मंगे कहां ले जा रहा भाई? निजाम, ये लोग तुम्हें फाखरा लिबास पहनाने ले जा रहे हैं। ना ना, मैं फाखरा का लिबास नहीं पहनूंगा। मैंने तो आज तक नसीबन का लिबास नहीं पहना, मैं गैर औरत का लिबास कैसे पहनूंगा भाई? निजाम, मेरा मतलब है शाही लिबास। हाँ फिर ठीक है, आज तक पकड़, यहाँ मेरा फोड़ा है। जिल्ले इलाही, अगर इजाजत हो तो गुलाम एक अर्ज करे। इजाजत है। जिल्ले इलाही, एक सक्के को तख्त तैमूरी पर सरफराज करना। हम खूब समझते हैं दिलावर खान। हुजूर बेहतर समझते हैं, गुलाम का फर्ज जिल्ले इलाही की तवज्जो मबजूल करवाना था। याद रखो दिलावर खान, निजाम सबका ने सिर्फ हमारी ही जान नहीं बचाई बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की मरती हुई ख्वाहिशों को नई जिंदगी दी। तो फिर क्यों ना हम निजाम के साथ कुछ ऐसा सलूक करें जिसे सारी दुनिया याद रखे। दिलावर खान, जिल्ले इलाही, दारुल सल्तनत में ऐलान किया जाए कि आज के बाद ढाई पहर के लिए इस मुल्क हिंदुस्तान का फरमारवा निजामुद्दीन सक्का होगा। तमाम उमरा, अहलकारों और रियाया को हुक्म दिया जाए कि वो निजाम की अदात करें। चारों कोर्ट मनादी करा दी जाए। जो हुक्म आली जा। जिल्ले इलाही, अगर आपकी इजाजत हो तो इस खुशी के मौके पर रक्सो सुरूद की महफिल पेश की जाए। इजाजत है।
इद्दा का लिबास तो मशक से भी भारी है भाई। अरे मैंने कहना पड़ गया कि इद्दा कर भाई। ठीक है निजाम हमारे करीब आओ। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें अपना वादा पूरा करने की तौफीक दी। हम तुम्हें अपने हाथों से ताज शाही पहनाएंगे।
शहंशाह का इकबाल अब तक कायम रहे। अरे तैं मेरे मुंह पर झूठ बोल रहा है? अरे मेरी तो ढाई पैर की बात साथ है, तैं अब तक बोल रहा है? वजीर जी, आलम पना, झूठ बोलने की क्या सजा है? आलम पना, आप मालिक है, आप जो सजा देंगे हुक्म की तामील होगी। अरे मैं पूछूं, इसका कोई कानून है कि नहीं है? और तुम कह रहे जो आप कहेंगे हुक्म की तामील होगी। अरे अगर मैं ये कहूं कि इसका सर कलम कर दिया जाए फिर? आप मालिक है सरकार, आपके हुक्म की तामील करना खादिम का फर्ज है। इसका सर कलम कर दिया जाए। आलम बना, मेरा सर तन से जुदा मत किया जाए। क्यों? आलम बना, मैंने सर पे तेल लगाना होता है। नहीं, सर आएगा तो हम खुद लगा देंगे उस पर। वजीर जी, बस तुम्हारा यही काम है, जो गलत गलत है। तुमने कह आलम पर जो हुक्म की तामील, उन्हें चमड़े की जबान है, आदमी के मुंह से झूठ सच तो निकल ही जाता है। हमारी पंचायत में तो ऐसी बात कोई नहीं होती, पर कानून होना चाहिए। बजाय चौथ फरमाया आलम पना। चल बोले, जब मैं बुरा कहता हूँ तो भी बजा समय, अगर मैं अच्छा कहूँ तो भी बजा करे। अरे तुम्हारे कमाल बे लौटे बेपेंदी के लौटते हो। बिल्कुल सच अर्शाद फरमाया शाह आलम। ये शाह आलम क्या हुआ भाई? अरे मैं तो एक मुल्क का बादशाह, पूरे मुल्क का तो बादशाह नहीं है ना, है? शाह का मतलब तो हो गया ना बादशाह, और आलम का हो गया पूरा मुल्क, यही है जी? जी हजूर। आलम का क्या मतलब है? आलम का मतलब है सारी दुनिया। सारी दुनिया, और मैं एक मुल्क का हूं। इस सूफी की गर्दन काट दी जाए। वो हुक्म आलम पनाह का, मगर ये गुलाम माफी का तलबगार है। हमने माफ किया। आलम पनाह के हुक्म के मुताबिक नसीबन शमसू, इशरत और चौधरी हाजिर हैं। अरे फिर झूठ बोला, कहाँ हाजिर है, कहाँ हाजिर है? आलम पनाह वो बाहर खड़े हैं, आपका हुक्म हो तो उनको पेश किया जाए। हाँ पेश किया जाए, दो मिनट आ जाओ, हम जरा तैयार हो जाए। चलो। जो हुक्म आलम पनाह। गलती हो गई। माफी हो जाएगी हुजूर।
जा तेने माफ किया। वजीर जी अगर इस वक्त मैं बादशाह ना होता ना, इसने मैंने झाड़ुओं से मारना था। बड़ी जाली मारत है। मजा इरशाद फरमाया आलम बना। उन्हें तेने फिर यकीन आ गया। चल इधर आके बैठ, आराम से बैठियो। ढाई पैर का वापस भी करना है, आराम से। समसू के अब्बा, वो मैं कह रही थी। क्या कह रही थी? वो समसू बेचारे का काम करवा दे, आखिर वो तारा बेटा है। मैंने तो याद ही नहीं रहा। चौधरी सरकार। मेरे कने आ। चौधरी हाजिर है जनाब। अभी गैर हाजिर करता हूँ। उस सत्ता तुम बैठे कहा कहते थे मैं बेटी का गला घोर दूंगा, लेकिन सक्के के बेटे से शादी नहीं करूंगा। बोल समझू कौन है? मास्की का बेटा। हट जा। नहीं नहीं नहीं, बादशाह सलामत का बेटा है। तो अब सक्के का बेटा नहीं है? नहीं नहीं, अब तो सदादा है तुम्हारा बेटा। बोल ते क्या चाहे है? मैं चाहे है कि मेरी बेटी का हाथ अपने बेटे के हाथ में ले ले मैं सरकार। हम खुश हुए। चल अपनी बेटी का पल्लू मेरे बेटे के पल्लू के साथ बांध। मैं खुद ही। हाँ तैं। मैं। हाँ तैं। ला भी पल्लू। तेने कितनी काली है, है? तू रगड़ा रही है, पकड़ा रहे तू भी पल्लू। ये लो बांध दिया भाई। ए अब्बा मैं बैठ जाऊ? हाँ बैठ जा। उठ रहे भाई, बादशाह का बेटा खड़ा था बैठा। शर्म नहीं आती है? चल किधर आ रहा भाई बादशाह का समधी खड़ा, तू किधर आ रहा भाई समधी? हाँ तो मैंने कहा था बैठ जा। तो तू कहेगा नहीं? चल जाके इंतजाम कर बरात का। सरकार जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं। इजाजत है? हाँ। शुक्रिया। जब से इज्जत की मां फौत हुई है मैंने दूसरी शादी नहीं की, मेरी भी शादी करा दो बादशाह सलामत। मेरे कन्या आया, ये ले जा। सब सुखे पा। तेरा क्या है? देख इसने कितने अच्छे कपड़े पहने। भाई ये तेने पता है कौन है? कौन है? कनीज है, जाते हुए ले जाएंगे। इसे क्यों ले जाएगा? अरे ऊपर का काम करेगी ना। सब सुखे पा। हाँ। ते वक्त बड़ा जाया कर रहा है। ये पानी है जो जाया हो रहा है, मेरी तो समझ में आते एक दिन की बात साथ में क्या करूँ, एक इतनी जल्दी तो एक ऐसा ही हो सकता है। खबरदार मैं धारा चलाता निकाल दूंगी। अरे मैंने मारे। अरे वजीर जी आखिर मेरी जांच है, जाने दे। वजीर जी मैंने बताया जाए कि मैंने क्या करना चाहिए आज के दिन? अगर हजूरे वाला की इजाजत हो तो गुलाम एक अर्ज करे। इजाजत है? अगर हुक्म हो तो आज इस मुबारक दिन की खुशी में दरबारियों को इनाम और इकराम बख्शा जाए। क्यों समझोगी माँ? अरे हाँ समझोगी अब्बा, जल्दी कर, कुछ इनाम और इकराम अपने लिए भी रख लेना। वजीर जी सारे दरबारियों की झोलियां असरफियों से भर दी जाए और एक असर भी मैंने भी दे। हाजिर है शाह आलम। उरे इस असर भी पता तेरे बादशाह का नाम है? मेरा तो नाम ही नहीं है भाई। मेरी बिरादरी को कैसे पता चलेगा कि निजाम सक का भी बादशाह हुआ था? ना इसमें क्या तय बता भी क्या करना चाहिए? समसुखे अब्बा अपने सिक्के पे ना मसक की मोह लगवा ले। अरे तय गवार की गवार। वजीर जी आलम बना, हमारा सिक्का ऐसा होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े अपना चमड़े के सिक्के बनाए जाए असरफी जितने, और उस पर सोने की कील टांग दी जाए। पूरे ये क्या हुआ, चमड़े के सिक्के पे सोने की कील? तेने क्या बना, ये बाप हमारा काम है, नहीं तो कैद खाने में डलवा दूंगा तेने।
कम सुखे पा कोई ऐसा काम कर हमारी बिरादरी देख तो याद रखे। वजीर जी, आलम पना, आज के दिन पूरे मुल्क के जितने भी सक्के हैं सबको एक महीने की तनख्वाह पेशगी दी जाए और उनको खाना मुफ्त खिलाया जाए, लेकिन उसमें गोश्त वाला होना चाहिए। जो हुकुम आलम पना। अरे मैंने भी सलाम कर। आलम पना, एक फरियादन आई है। फरियादन? इसका मतलब है कि यहाँ फैसले होंगे? जी आलम पना। ते अंदर चल भाई, ते अंदर से कानूनी बात होने वाली है। अरे ते अपनी पुरानी आते ना भूलना। अरे खामोश आ जा। अब्बा मैं और इसरत भी जाए अंदर। हाँ ते भी जाओ। अच्छा तो यहाँ पर फैसले होंगे। आलम पना, तख्त पर जलवा अफरोज होकर फैसला कीजिए। अरे वजीर जी, ये कैसे हो सकता है? मैं तख्त पर बैठ जाऊं और फरियादी नीचे खड़ा हो, वो तो मैंने वैसे ही छोटा लगेगा। जो आदमी मैंने छोटा लगेगा मैं उसका फैसला खा करूंगा। नहीं, फैसला बराबरी पर होगा, हमारे साथ बैठ के फैसला होगा, पंचायत जमीन पर लगेगी। जो हुकुम आलम पना। हाजिर किया जाए। जो हुक्म आलम पना। फरियादन हाजिर हो। आदाब। 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 अरे बस करना, मैंने थकाएगी क्या? मैं तो दबाओगे बस, ठीक है? हजूर मेरी एक गुजारिश है। इजाजत है? हजूर मैं शादी करना चाहती हूँ। नहीं, ये कौन सी बात है? अभी शमसू की शादी होने वाली है, तेने भी करा देते हैं। बोल किससे करानी जाती? अपने फन से। फन के माँ बाप को हाजिर किया जाए। हजूर वो जो ईटा है ना, वो ईटा। कौन ईटा? हजूर वही जो मैं उठा के लाया था, पाला पोसा बड़ा किया और ये नाच गाना सिखाया। क्या सिखाया? नाच गाना सिखाया। अच्छा नाचे तू। हजूर वो कहता है मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। अरे मैं से ज्यादा बदमाश है, उसकी सारी बदमाशी निकाल दूंगा। ईदे को हाजिर किया जाए। हजूर मैं जाऊं? ईदा तो आने दे, फैसला नहीं करा। कह दे आगे बैठ, आ जा, चिक्कड़ तो नहीं है। आलम पना, तीन फरियादी दरबारे आलिया में हाजिर होने के मतमन्नी हैं। ये मुतमन्नी कौन है भाई? आलम पना, फरियादी शाह आलम की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है? पहले हुक्का लेकर आ भाई। जो हुक्म आलम पना। हजूर मैं जाऊं? तय कहा जाएगी है, कहने ना तन्ने, फैसला नहीं करना, इधर तो आने दे। जी आलम पना, हुक्का हाजिर है। इसका मुंह किधर है रे? वो आलम पना साथ वाले दरबार वाले वारी लगा रहे हैं। उधर पहले उनकी बारी थी क्या? आलम पना हुक्का। शुक्रिया। बात सुनो। मैं जी? बोले इधर आ। नहीं आलम पना मैं। तो फिर जा। अच्छा नहीं आलम पना, तेरी शादी हुई है? आलम पना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 12 बच्चे हैं। अरे 12 बच्चे? फिर तो रोज ही लड़ाई होती होगी। नहीं आलम पना, साल में से 12 महीने में 11 महीने मेरी बेगम अपनी माँ के पास रहती है, तो लड़ाई का मामला नहीं है। हम खुश हुए। बड़ा जहीन है तू, हमारे यहाँ तो रोज ही लड़ाई वाली।
बड़ा कड़वा हुक्का है। आलमपना वो सख्त है, गले में छुरी की तरह लगता है। चल शुक्रिया शुक्रिया आलमपना। ओ आलमपना ये रिवाज बदले माथे पे लगती है यूं। बड़े बाप सुन जी यार ते मैंने जाने। हाँ आलमपना आपको मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। वो कैसे? आप मेरी गली में छिड़काव किया करते थे। हम खुश हुए। शुक्रिया आलमपना शुक्रिया शुक्रिया। फरियादी हाजिर हो। अस्सलामुअलैकुम हाजूर। हजूर ये अनवर बंदा है परवर के बड़ा बाबा मन के मुसम्मी मुकर मुकर मी मोहतर मोहतर मी आली जनाब जनाब ए आली बाग में माली के सल्तनत हिंदुस्तान के दिल मुगलिया खानदान के दिल उठा मार। हाँ ये औरत तेरे साथ है या उसके साथ है? मेरे साथ हजूर, मेरे साथ है। देखे हजूर बिल्कुल मेरे साथ है। देख ले हजूर मेरे साथ है। झूठ बोल रहे हैं। खामोश खामोश। औरत तय बता इसके साथ है उसके साथ है ये दोनों के साथ है? जनाब फैसले से पहले मैं क्या बोलूं, ये लोग मेरे बोलने से फायदा उठाएंगे। हम खुश हुए। जहीन है जहीन है। हाँ बोल बे क्या बात है? बादशाह सलामत बंदा बिल्कुल सच अर्ज करेगा। ऊंची बोलियो बिल्कुल सही बताइयो। बादशाह सलामत बंदा बिल्कुल सच अर्ज करेगा। गुलाम जी बांदीपुर में कपड़े की दुकान करता है और हजूर गांव के सब लोग जानते हैं कि खाक साहब ने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। उन्हे ये कैसे हो सकता है? उन्हें कपड़े का कारोबार करे और झूठ ना बोले? ना ना भाई नहीं। इसका मतलब ये है कि तू आज तक पकड़ा नहीं गया होगा। झूठ वो होता है जो पकड़ा जाए, जो पकड़ा ना जाए वो झूठ नहीं। इसका मतलब तू पकड़ा नहीं गया। कसम है मान की हजूर आज तक ऐसा काम किया ही नहीं। अच्छा बता क्या बात है? बादशाह सलामत ये औरत मेरी बीवी है और इसका नाम जरीना है। 6 महीने पहले इसका और मेरा निकाह हुआ था हजूर। नहीं हजूर झूठ बोल रहा है। झूठ बोल हजूर कुफर तोड़ रहा है। इसका नाम जरीना नहीं नूर बीबी है। खामोश। मैंने तुझसे कहा कि तुम बोल। गलती हो गई हजूर। खामोश बिल्कुल। ये सारी ऊन निकाल दूंगा यही। और जाति बड़ी चीज है भाई। एक खिड़की से अमरूद खा रही हो दूसरे से सेब खा रही होती है। हाँ तय बता भाई। मैं जी तय ये बता रहता कहा? मैं हजूर। हाँ हजूर यहाँ से 6-7 कोस दूर मेरे बस्ती के बाहर चमड़ा रंगने का कारखाना है, वही मेरा घर है हजूर। तय बता भाई। बादशाह सलामत ऊंची बोल ऊंची बोल। झूठ बोल रहा है। इसकी बीवी नहीं है। 2.5 साल पहले मेरा और इसका निकाह हुआ था। फिर हजूर 2 साल तक हमने खूब मजे से जिंदगी गुजारी। अब ये कह रहा है कि मेरी बीवी है। अच्छा तेरा चमड़े का कारखाना है जी हजूर। और तू इसे पीटता होगा चमड़े से? नहीं हजूर मैंने तो कभी ऐसे भी नहीं किया। और हाँ तैने कुछ कहना है? तैने कुछ कहना है आगे? नहीं। हाँ औरत तैं बता अगर झूठ बोला मैं तेरी गर्दन कटवा दूंगा, समझे? आगे आगे बोल आगे आगे बोल। हाँ बोल। हजूर मेरा नाम नूर बीबी है और मैं इस शख्स की बीवी हूँ जिसका चमड़ा रंगने का कारखाना है। और ये शख्स जो कह रहा है कि मेरे कपड़े की दुकान है, मैं इसे नहीं जानती। बादशाह सलामत ये झूठ बोलती है। ये मेरी औरत है हजूर, मेरी औरत है। कैसे बात कर इस आदमी से जा मिली? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है दूर जितने इस चमड़े वाले के पास हैं। झूठ बोल रहा है हजूर। इंसाफ कीजिए हजूर इंसाफ कीजिए। वजीर जी बताओ क्या होना चाहिए? फिरले इलाही मेरा ख्याल है इन दोनों के गवाह तलब किए जाए। वाह 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 वजीर जी आज तक गवाहों से कभी फैसले हुए हैं? अरे कभी जल्दी फैसला हुआ गवाह से? ऐसे फैसला नहीं होगा। वजीर जी जरा
फौरन। इधर आ मैं इधर ही रहूं हजूर। अभी बताते अभी बताते अभी ये सारा इसका भी फैसला होगा। किसकी बीवी है तें? छी कपड़े वाले की। चल कपड़े वाले के कने चलो उसके साथ जा। शुक्रिया हजूर, बहुत बड़ा हमारा मसला हल कर दिया। अल्लाह हाफिज। चलो ना जा, अभी 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 आधा मसला हुआ, अभी पूरा मसला होने वाला है। ठीक है वजीर जी, इस चमड़े वाले को 2000 कोड़े और इसे फांसी लगाई जाए और इसकी सारी मुंह निकाली जाए। आलमपना ईदा हाजिर है, ईदा हाजिर है। ये उठाओ। अच्छा शुक्रिया आलमपना। अरे इससे क्या कर रहे हैं तू? जी आलमपना इससे क्या? आलमपना इससे मैं दरबार के जाले उतारता हूँ और जब मैं फारिग होता हूँ। अच्छा, और ये उठा। ठीक है आलमपना, ये उठा। बहुत अच्छा। ठीक आए। तेरा नाम ईदा है, क्या ईद पर पैदा हुआ था? तेरा नाम सबराती क्यों नहीं है? हजूर जो नाम माँ बाप ने रख दिया इसी को गुनीमत समझ लिया जी। फरमा बरदार है, हम खुश हुए। बोल तेरा और कजन भाई का क्या ताल्लुक है? कुछ नहीं जी, ये बंदा है नाचीज कजन से मोहब्बत करता है और आज से नहीं 15 साल से मोहब्बत में गरका है जी। अब क्या चाहता है तेरे? गुलाम कजन से शादी करना चाहता है। कजन जी। हजूर तैं क्या चाहती है? हजूर ये झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ मेरी कमाई खाना चाहता है। अगर मैं इसको पैसे ना दूं तो ये मुझे बहुत बुरी तरह से पीटता है। ये देखे मेरे बाजू, इतनी दर्द हो रही है मुझे, ये देखे। कहता है मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। अरे अरे तेरे शर्म नहीं आई? अरे औरतों को पीटे है, हैं? अरे तू बदमाश, तू बदमाश है, बदमाश है। उरे मुझसे ज्यादा बदमाश है तू। उरे मैं तो शकल से बदमाश लगूं। ये गलत है हजूर। कजन तय क्या चाहती है? आजादी चाहती हूँ हजूर, इस मूर्ख के लिए हमेशा के लिए नजात चाहती हूँ। इधर तय दिल्ली की सरहद से पार निकल जा। अगर दिल्ली की हदूद में नजर आया तो मैं तेरी ये गर्दन जो ये कटवा दूंगा, समझे? मुस्ताही की माफी चाहता हूँ, एक अर्ज करनी चाहता हूँ। इजाजत है? इसका एक बच्चा भी है जी मेरे पास। उरे कजन, उरे तेरे बच्चा भी है? मैंने बताया नहीं? उरे ते लगे तो है नहीं बच्चा भी? नहीं नहीं हजूर, ये झूठ बोल रहा है, अपने किसी नए जाल में मुझे फंसाना चाहता है। अलम्पना
ये फैसला जरा मुश्किल हो गया है। मेरा ख्याल है बच्चे को बुलाकर इन दोनों के दरमियान छोड़ा जाए। जिस तरफ उसका झुकाव ज्यादा होगा बच्चा उसी का होगा। हमेशा बच्चे का झुकाव माँ की तरफ ज्यादा होता है। अरे वजीर जी, ते बिसरे हद ज्यादा भी करना जानता है, हैं? अरे अरे मेरा मतलब है कि बच्चे के बच्चा जिसके पास ज्यादा रहेगा उससे उसकी उनसियत हो जाएगी। और जानवर पालो, कुत्ता भी पालो ना, उसे एक महीना रखो ना, वो भी वफादारी में मालिक के पैर चाटता है। लेकिन दिल्ले इलाही, ये फैसला कैसे होगा? इसका फैसला बच्चे को इन दोनों के दरमियान में लाके कत्ल कर दिया जाए। नहीं हजूर, वह बच्चा मेरा है, कज्जन का उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। मुझे माफ कर दे, मैं झूठ बोल रहा था, मुझे माफ कर दे। बदमाश करता है, बदमाश ही करता है, बताओ कर दे। मुझे माफ कर दे, निकल जाए यहाँ से। मुझे माफ कर दे, इसे फांसी दे दी जाए। मुझे माफ कर दे, बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मन्ने बदमाशी दिखाता है, मन्ने बादशाह को जो होता ही बड़ा होशियार है। अब कज्जन जी, हजूर जा, आज से तैं आजाद है। मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ हजूर। आस्ता बात कर, नसीबन यही है रे, क्यों जूते पड़वाएगी मन्ने? नहीं नहीं हजूर, मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। अच्छा, मैं समझा मासूक है। मन गोता आ गया था। जा, तैं आजाद है। जिल्ले इलाही, खुदा आपकी उम्र दराज करे, ये फैसला करके आपने तो हमें दंग कर दिया। अरे दंग ना कर देते, मैंने बड़ी बेइज्जती होनी थी, मैंने बड़ा जलील करना था। अरे अब्बा, रे हजूर, तने तमीज नहीं, बादशाह के दरबार में किस नाम है? एक फरियाद है। इजाजत है? जब से मैं बादशाह बना है अपने इलाके की सारी तकलीफों को भूल गया। ये तेरी माँ ने तेने सिखा के भेजा होगा, हैं? नहीं नहीं बाल, एक छोटी सी फरियाद है बस, बहुत सुन ले तू मेरी। हाँ, इजाजत है। ए बादशाह सलामत, हमारे इलाके में एक पानी का कुआं है, जब भी दरिया में सैलाब आता है पानी सारा गदला हो जाता है, इलाके के लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। वाह भाई, यानी हमारा सवाल हमारे मुंह पे, हैं? गधे की जगह गधा, बहुत अच्छे। जिल्ले इलाही, वैसे इस मसले का हल भी आपके पास जरूर होगा। हाँ, हमारे पास इसका हल है। आलम पना, लेकिन हमारे वहाँ वापस पहुँचने से पहले पहले इस पर अमल किया जाए। जरूर होगा, आप हुक्म करें, फौरन बाद तमीज शुरू हो जाएगी। जिधर से दरिया है वहां पर एक नहर खोदी जाए उसके साथ, और जब दरिया में सैलाब आए नहर को उस वक्त खोला जाए, और जिधर कुआं है उसके फासले फासले पर 3 कुएं बनाए जाए। जो हुक्म आलम पना। बारे बाबा, तेरा तो जवाब ही हट जाएगा। तने तने जेल खाने में डलवा दो, मने मेरी मां के पास जाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। वैसे अब्बा, भेजा मने मां नहीं था, मैंने पहले ही शक था। समसुगी अब्बा, समसुगी अब्बा, बड़ी भूख लगी है। अरे तैं खाने रोटी जो खाई जाती है, फता नहीं की जाती। अरे सुबह से खा रही है। अरे कब खाने को दिया है? रोटी का इंतजाम किया जाए, खिलावे खिलावे। बा अदब, बा मुलाहिज़ा होशियार, जिल्ले सुभारी, ताजदारे हिंद, आली मर्तबत नसीरुद्दीन हुमायूं, तशरीफ लाते हैं।
हुजूर मैं सक्का ही भला, मन इजाजत है, खुदा हाफिज। सलाम जी हुजूर। जाते जाते एक बात बता दे जाओ। जी आलमपना। तुमने ये फैसला कैसे किया कि वो औरत चमड़े वाले की बीवी नहीं? वो हुजूर, वो अगर चमड़े वाले की बीवी होती तो उसे चमड़े में से बदबू ना आती, ताजे चमड़े में से, और अगर आती भी तो ज्यादा महसूस ना करती हुजूर। हम तुम्हारे जहन की दाद देते। हुजूर मैंने एक दिन की बात साथ और ना दें, माते भर पाया, मान इजाजत है हुजूर। इजाजत है। आने से बचले। सब सुखी है बा? हाँ। अब ते बा साले? नहीं, खा विस तेरा सक्का। मेरा सक्का? निजाम। तेरा अरे बा, अरे बा, छोड़ दो तो बा, तेरे दरबार।